Hello everyone. So I hope you all are doing good. आइए इस वीडियो में आज जानते हैं कि हमारे थॉट्स का, हमारे इमोशंस का हमारे आभा मंडल पे, हमारे ओरा पे कैसे इफेक्ट पड़ता है. जैसा कि हमने लास्ट कुछ वीडियोस में कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर बात करी है, तो हमने ये जाना कि हम उस कॉस्मिक ऊर्जा से अपने आभा मंडल के द्वारा ही जुड़े हुए हैं. यदि हमारा आभा मंडल एक अच्छी स्टेट में होगा, एक अच्छी ऊर्जा प्राप्त कर रहा होगा, तो हमारा जीवन खुशहाल होगा. तो कैसे इस आभा मंडल पे इफेक्ट पड़ता है हमारे थॉट्स का, हमारे इमोशंस का? जिस भी तरह से हम थॉट्स रखते हैं, हम अपने इमोशंस रखते हैं, उसी तरह से हमारा आभा मंडल भी काम करता है. अगर कोई हमारे लिए बुरे विचार रख रहा है, हमारे को बुरे थॉट्स दे रहा है और नेगेटिव वे में हमारे बारे में सोच रहा है या फिर हमारे बारे में बोल रहा है नेगेटिव वे में, तो उस प्रक्रिया के द्वारा हमारा आभा मंडल इफेक्ट होता है. सिमिलरली, अगर हमारे बारे में बहुत अच्छा बोला जा रहा है, हमारे बारे में अच्छे विचार रखे जा रहे हैं, या फिर हमारे खुद के थॉट्स किसी के भी प्रति अच्छे हैं या बुरे हैं, तो सामने वाले का आभा मंडल भी उसी प्रकार से इफेक्ट होता है. अगर आप किसी के बारे में बुरी सोच रखते हैं, बुरी फीलिंग्स रखते हैं, तो ना केवल उस व्यक्ति का आभा मंडल इफेक्ट होता है, बल्कि आपका खुद का भी आभा मंडल इफेक्ट होता है. अब किसी भी रिलीजन में देखिए कि डिवाइन की जो उनके जो जिनको वो पूछते हैं, जो डिवाइन की पूजा करी जाती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी रूप में हो, आप देखेंगे कैसे उनको बहुत अच्छा बोला जाता है, उनके गीत गाए जाते हैं, उनकी सराहना की जाती है, उनकी प्रशंसा की जाती है. ऐसा करने का एक मकसद होता है. ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी बोल रहे हैं, उसको पॉजिटिव बना रहे हैं ऐसा करने से. तो ये प्राचीन काल से ये प्रक्रियाएं चली आ रही हैं. भजन करना, कीर्तन करना, अपने इष्ट की आरती उतारना, अपने इष्ट के गुणगान करना, इस तरह से आप पूरी तरह से कॉस्मिक एनर्जी को पॉजिटिव कर रहे हैं और पॉजिटिव ऊर्जा भेज रहे हैं. तो ऐसा करने से, कॉस्मिक एनर्जी से आप जो ऊर्जा लेते हैं, वो भी पॉजिटिव वे में ही आती है आपके पास. इसीलिए बोला जाता है लगातार मंत्र जाप करिए, लगातार अच्छे विचार रखिए, दूसरों की मदद करिए, दूसरों की सेवा भावना रखिए. और जब भी हम किसी के प्रति जेलसी रखते हैं या फिर डिसरिस्पेक्ट करते हैं और हमारे इमोशंस अच्छे नहीं होते हैं उनकी तरफ, या फिर हम कुछ बुरा सोचते हैं उनके बारे में, या फिर इनफैक्ट बुरा करना भी चाहते हैं उनका, तो भी उनका आभा मंडल और हमारा आभा मंडल बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. आभा मंडल का इफेक्ट होना मतलब आभा मंडल का कम हो जाना, उसमें ब्लॉक्स आ जाना, उसमें छेद हो जाना. कई बार आप देखेंगे किसी किसी का आभा मंडल तो इतना ज्यादा हटा होता है कि जो एक आभा मंडल एक सुरक्षा कवच होता है हमारा, तो इतनी ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएटेड होती है उसके आभा मंडल में, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो या आपके खुद की वजह से हो, कि इतने ज्यादा उसके अंदर छेद हुए होते हैं, इतना ज्यादा उसमें डिस्ट्रप्शन होती है कि कोई भी एनर्जी, कोई भी नेगेटिविटी बहुत आसानी से उसके अंदर प्रवेश कर सकती है. तो आगे के वीडियोज में हम जानेंगे कि कैसे इस चीज को प्रूव करा गया है साइंटिफिकली. एक साइंटिस्ट हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे. पानी को लेकर क्या एक्सपेरिमेंट किया गया कि इससे हम जान सकें कि कैसे आभा मंडल इफेक्ट होता है. और क्योंकि हम जानते हैं कि हम भी 70% वाटर हैं और 70% से ज्यादा ही हैं, तो कैसे इन चीजों का हमारे आभा मंडल पे प्रभाव पड़ता है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं आगे. एंड वीडियोज के साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए और इस जानकारी को आगे भी फैलाते रहिए. सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए सारे वीडियोस को, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे और ये नॉलेज आप भी दूसरों को शेयर करिए. सो आई होप यू आर लाइकिंग दीज वीडियोस. कीप वॉचिंग दिस स्पेस, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक ऑल द वीडियोस. थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन एंड योर लाइक्स. ओम बुद्धा.